विदुर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, निराला बाब देखा है। विदुर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबह करता हूँ, खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। सआदत मंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, ज़मीनों आसमां हैरान थे इस ताअत गुजारी पर। ज़बीहुल्लाह रिजा जोई की ये सूरत नजर आई न थी अब तक, ये जुर्रत पेश तर इंसान दिखलाई न थी अब तक। अजब बशाश दे दोनों रज़ाए रब्बे सद पर, तामुल या तजब जुब कुछ ना था दोनों की सूरत पर, कहा फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के नाम पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों पर अपने आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, मबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर आए। पिसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई, ये रस्सी और पट्टी बांधनी उनको पसंद आई। हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटे, छुरी उसने संभाली तो झट कदमों पे आ लेटे। पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पर रगड़ी हाथ को हुलकूम पर रखा। जमी सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा, न इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा, इधर था मुतमई बेटे के चेहरे पर बहाली थी, छुरी हलकों में इस्माइल के चलने ही वाली थी, मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया, के इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। हुए जबरील नाज़िल और थामा हाथ हजरत का, कहा बस इम्तिहान मकसूद था ये सारों जुर्रत का। खिताब उस दिन से इस्माइल ने पाया ज़बीहुल्लाह, खुदा ने आप उनके हक में फरमाया ज़बीहुल्लाह।